हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास टेंथ विज्ञान का 55 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। क्लास टेंथ साइंस का पेपर है, ठीक है, विज्ञान का पेपर है, वो 27 फरवरी को है। तो अगर आप लोग ये 55 टॉपिक को तैयार कर लेते हो, 55 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, तो आप सभी का बिल्कुल 70 में 70 इस बार साइंस में पक्का है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये आपके पेपर में बिल्कुल 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा, ठीक है। तो आप लोग मात्र इस 55 टॉपिक को अगर पढ़ लिए तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप लोग इस बार विज्ञान में, ठीक है, यानी 70 में 70 पूरा नंबर लाकर टॉप करोगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, देखिए 2022-20, ठीक है, 19-17-15-10-12, यानी हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल आता है वो है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए उदाहरण के साथ, तथा इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर आपको लिखना है, उसके साथ साथ आपको उदाहरण भी लिखना है और इनके समीकरण भी लिखना है, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है। तीनों का आंसर आप लोग लिखोगे तभी आपको 2+2+2 टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है, तो आप लोग ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग क्लिक करके इन सभी को आंसर को बिल्कुल लिखित वहां से देख सकते हो और बहुत ही सरल तरीके से, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल आता है और बिल्कुल 27 फरवरी के विज्ञान के पेपर में ये क्वेश्चन छप चुका है। आप लोग जल्दी से तैयारी कीजिए, आपके पास समय बिल्कुल भी कम है, ठीक है। आप सभी का सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल जारी हो चुका है, आप लोग जल्दी से जाकर देखिए और आप लोग तैयारी कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी क्वेश्चन जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है पहला पदार्थ यक्ष का नाम तथा सूत्र लिखिए, दूसरा है उपरोक्त यानी कि पहले में लिखे पदार्थ यक्ष की जल के साथ अभिक्रिया करना है। पहले आपको यक्ष पदार्थ का नाम लिखना है और सूत्र, और जो आप लोग यहाँ पे नाम और सूत्र यक्ष पदार्थ का लिखेंगे उसी का अभिक्रिया फिर H2O यानी जल से कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है और ये जो क्वेश्चन था ये आप सभी के यानी कि लघु उत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर में ऐसे आते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। उपचयन तथा अपचयन, ठीक है, और संकलन ऑक्सीकरण को उदाहरण सहित समझाइए, यानी इस पे आपके एग्जाम में टिप्पणी करने के लिए आते हैं, यानी ये टिप्पणी 2 नंबर के 1 नंबर के होते हैं। तो आप लोग इन दोनों को यानी उपचयन और अपचयन, ठीक है, और यहाँ पे संकलन और ऑक्सीकरण दोनों को तैयार कर लीजिए और जो भी आप लोग तैयार कीजिए वो एग्जाम्पल के साथ तैयार कीजिए, ठीक है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे जब आप लोग उदाहरण भी लिखेंगे तब। इस बार नेक्स्ट है क्वेश्चन, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी यानी जो उष्मा को अवशोषित करता है, इन दोनों को आप लोग उदाहरण सहित तैयार कर लीजिए जल्दी से। सातवां क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, यानी आप लोग अगर इसको तैयार करोगे ना तो आपको समीकरण करना भी आ जाएगा विज्ञान में, रसायन विज्ञान में। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में समीकरण संतुलित करने के लिए भी आता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाकर बताए हुए हैं। पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए।
नेक्स्ट है यहाँ पे नवा क्वेश्चन, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, यानी खाने के सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। तो अगर आपके एग्जाम में खाने का सोडा आ जाए या बेकिंग सोडा, तो आप लोग वही लिखिएगा जो आप लोगों ने याद किया है खाने के सोडा में, ठीक है। तो खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए, ठीक है, इसका अणु सूत्र क्या होता है उसको लिखना है। इसके बनने की विधि तथा केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी इसके बनने की विधि में अगर कह दिया कि केवल रासायनिक समीकरण, तो आप लोग इसके बनने की विधि को पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ रासायनिक समीकरण ही लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सभी आंसर हमने बता दिया कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। 11 क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। जल का आयनिक गुणनफल क्या है स्पष्ट कीजिए। इसके साथ साथ क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, यानी तीन प्रकार के जो समीकरण होते हैं रिएक्शन, वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग क्या होता है जब, इसको भी तैयार कर लीजिए। ये एक नंबर में आता है, ये भी एक नंबर में और ये भी एक नंबर में, यानी टोटल तीन नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भर्जन एवं निस्थापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है, अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये भी आप लोग तैयार कर लो जल्दी से, आपके पास समय बहुत कम है, आजकल बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आपके एग्जाम इतने करीब है, यानी 27 फरवरी काफी दूर नहीं है, बल्कि बहुत ही नजदीक है अगर आप लोग पढ़ने लगोगे तब। तो आपका 27 फरवरी देखिए बार बार आपके जीवन में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इस 27 फरवरी की इतनी बम्फर तैयारी कीजिए साइंस का कि बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दीजिए, ठीक है, यानी इतनी अच्छी से तैयारी कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल से करोगे तो आपका बिल्कुल 70 नंबर पक्का है, क्योंकि हमारे चैनल पे ट्रिक से बताई जाती है जितने भी चीजें, आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी याद करोगे तो वो भी ट्रिक से, ठीक है, जो कि आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा और आप लोग साइंस के पेपर में जाकर छाप दोगे, तो ऐसे हमारे चैनल पे स्टडी होती है। नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की कोई दो उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, आपको सिर्फ 2 उपयोग ही लिखना है इसका। नेक्स्ट है, कॉपर यानी कि सीयू की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के बिलियन में डालने पर कुछ समय बाद बिलियन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे इसको समझाना है। ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाले पार्ट से आएगा और कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करो। नेक्स्ट है, अयस्क एवं खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, मार्केट में आता है 70 से 60 रुपए के प्राइस में आ जाएगा, आप लोग ले लीजिए और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जैसे सन दिया हो 2020, ठीक है, 2022 2020 21, इस तरह से सन दिया हो, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने का चांस होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिए और डेली रूटीन बना लीजिए और उसको डेली भोर में उठ करके, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले आप लोग उसको याद कीजिए। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जल्दी से तैयार कर लो आप लोग। सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसके एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, यानी साबुन का मिसेल, ठीक है, साबुन की सफाई जिसे कहते हैं, आप लोग ये जो साबुनीकरण वाला क्वेश्चन तैयार करोगे तो उसमें आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, साबुन की सफाई को। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और इस क्वेश्चन में आप सभी को IUPAC नामकरण भी कैसे बनता है इसको भी तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये भी आपके एग्जाम में हर साल आता है, इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। IUPAC नामकरण कैसे बनता है, आप लोग ट्रिक से कैसे बनाओगे, सबको आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि IUPAC से कम से कम IUPAC से 2 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, यानी बनाने के लिए,
नेक्स्ट है पोषण किसे कहते तथा इसके प्रकार उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पोषण यानी ये अब आ गया है आपके साइंस का पार्ट बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान से। तो ये क्वेश्चन को ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। और हमने पूरा चैप्टर यानी आपका केमिस्ट्री विज्ञान का जो है वो पूरा समाप्त कर चुके हैं, हम पूरे क्वेश्चन को बता चुके हैं। और जो आपकी बायोलॉजी है उसके 3 चैप्टर पूरे समाप्त कर चुके हैं और रिवीजन अब हो रहा है, और इसके साथ साथ फिजिक्स का हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है। ठीक है, यानी सिर्फ अब रिवीजन हम करा रहे हैं। आप लोग जल्दी से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है, इसका क्रियाविधि और इसकी जो रासायनिक समीकरण हमने बताया है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है अग्नाशय का संरचना तथा कार्य, ठीक है, इस तैयार कर लीजिए। रंध, पड़रंध, स्टोमेटा, क्रियाविधि और इसके साथ साथ आप लोग इसके फिगर को, चित्र को भी तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरी में आएगा, 7 या 6 नंबर का आता है, आप लोग इसको तैयार कर लो। मनुष्य के दांतों की संरचना यानी मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कृंतक, रदनक, चौड़क, परचौड़क, तो आप लोग जल्दी से उसको जाकर तैयार कर लीजिए। मनुष्य का पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन जो कि हमने बोर्ड पे बताया है बना करके चित्र, इसको आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। श्वसन आक्सी अनाक्सी श्वसन स्वच्छ श्वास में अंतर और रासायनिक अभिक्रिया साथ ही साथ समीकरण और चित्र को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अंतर, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। हमने 5 इम्पोर्टेंट अंतर बताया है, अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका बिल्कुल यानी कि 15 नंबर बिल्कुल पक्का है एग्जाम में। नेक्स्ट है रुधिर तथा लसिका धमनी तथा शिरा में अंतर। मनुष्य की हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र व इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ये भी तैयार कर लो आप लोग। वात्पोसर्जन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। उत्सर्जन, बिग नलिका का नामांकित चित्र और नेफ्रान, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिए। परिवार नियोजन, निषेचन के प्रकार, नर तथा मादा जनन अंग का चित्र आप लोग को तैयार कर लेना है और इसके बारे में भी तैयार कर लेना है। ये हर साल आता है ये क्वेश्चन। आनुवंशिकता तथा मेंडल के नियम, ठीक है, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उसको भी तैयार कर लीजिए। चित्र भी तैयार कर लीजिए। उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद को भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 37 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, प्लस इसका परिभाषा और नियम को तैयार कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन का आप लोग PDF अगर टेलीग्राम पे मांगोगे तो हम सेंड कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण तथा लेंसों के प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, इस चैप्टर को आप लोग तैयार कर लीजिए, इन सभी टॉपिक क्वेश्चन को। और साथ ही साथ इस चैप्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सभी को तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास समय बहुत कम है और आप लोग साइंस में कुछ नहीं पढ़ पाए तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम बिना पढ़े साइंस में पास होने की ट्रिक की वीडियो भी आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे, और बिना पढ़े साइंस में न्यूमेरिकल लगाने की ट्रिक की वीडियो भी हम आप सभी को बता देंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तब। वैसे हमारे चैनल पे बिना पढ़े गणित में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, जो कमजोर छात्र है जिनको डर है कि हम फेल हो जाएंगे और वो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए भी हमारे चैनल पे ट्रिक की वीडियो हमेशा अपलोड होती है। तो ये सब वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो दिखाई देंगे, वहां पे भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, सब क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध, आपको सूत्र, मात्रक और इसके न्यूमेरिकल को तैयार करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ गया जैसे ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विभव किसे कहते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो उसके साथ साथ आप लोग अगर सूत्र और मात्रक नहीं कहा है फिर भी आपको लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा, अगर लिख दोगे तो 2 के 2 पूरे नंबर मिलेंगे। श्रेणी व समांतर क्रम का संयोजन, ये भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, जो आपके 27 फरवरी का जो पेपर है ना उसमें सब छप चुका है। जब आप लोग जाओगे देने पेपर तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम तो जितना क्वेश्चन बताया था सब आया हुआ है। जो पढ़े छात्र वो काफी अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ के नियम और उसके चित्र को भी तैयार करना है। बायो सेवर्ट का नियम, इसके साथ साथ सूत्र और न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत मोटर का नामांतरित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए, इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण में किया जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमने फिगर बनाकर बताया, अभी 5 दिन हो रहे हैं इसको हमने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है,
इसको क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामक चित्र खींचकर सिद्धांत रचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, दीर्घ उत्तरी है और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से आते हैं आपके एग्जाम में, इसको भी तैयार करना है। देखिये जो न्यूमेरिकल होगा ना वो आप सभी के, यानी कि आप लोग इस तरह से चित्र बनाकर कार्यविधि कीजिए या एक न्यूमेरिकल अथवा में दिया रहेगा 7 ही नंबर का उसको कीजिए, यानी अथवा में रहेगा। दोनों में से अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल काफी अच्छे तरीके से आता है तो आप लोग न्यूमेरिकल ही कीजिए, क्योंकि इस पे आपको सही अगर हो गया तो 7 का 7 पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे आपका 5 नंबर यानी 1-2 नंबर कट जाएगा। तो आप लोग न्यूमेरिकल ही कीजिए अगर आपको आता हो तो। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं ये भी तैयार कर लो। ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, ये भी तैयार कर लीजिए। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी जो आपके विद्युत वाले के बाद जो आपका चैप्टर है उन सभी चैप्टरों से ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो आप सभी का न्यू पैटर्न है उसके अनुसार 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पेपर में आएगा साइंस में। तो आप लोग, ठीक है, आज से ही 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन डेली तैयार करोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके पास अब समय कम है तो आप लोग 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन डेली तैयार कीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करना है, जो कि हमने 2023 जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे बिल्कुल सेम वैसा पेपर बताया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग जाकर के देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सभी कुछ मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे और मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, पास होने की ट्रिक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर देख लीजिए। तो आपका जो 10th विज्ञान का पेपर 27 फरवरी को, बिल्कुल आप लोग सिर्फ 55 क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो आपका 70 में 70 पूरा नंबर पक्का है। तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो, बस इतना ही पढ़ लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अपने सभी दोस्तों में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए और आप लोग को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है, आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।